हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े प्रिजन तिहाड़ जेल, जिसका मिशन था मर्डरर्स, ड्रगिस्ट, चोर और बाकी छोटे मोटे गुनेगारों को क्रिमिनल से सोसाइटी का ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बनाना। लेकिन वो सब करना तो छोड़ो, वहीं के एक छूटे हुए कैदी के बयान के हिसाब से उनको वहां पर सुबह शाम रात गाली गलौज से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है। और खाना तो उन्हें मजबूरी में जिंदा रखने के लिए खिलाया जाता है। और ये सब सुनकर क्या आप शॉक? असली शॉकिंग तो ज़मरूदा हबीबी की कहानी थी, क्योंकि जब तिहाड़ जेल के लोगों को ये पता चला कि वो इंसान कश्मीरी था, तब जेल के अथॉरिटीज ने उसके बाल लिए, नोच कर उसे पूरे जेल में रिंगाया। तो क्या ये सच है कि तिहाड़ जेल सच्ची में पृथ्वी का नर्क है? और अगर सच्ची में पृथ्वी का नर्क है तो क्या वजह है कि कुछ कैदी तो तिहाड़ जेल में एक मस्त पॉश लाइफ जी रहे हैं? चलिए जानते हैं तिहाड़ जेल में एक्चुअली होता क्या है in our today's wonderful video titled Life Inside Tihar Jail। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन लोगों ने तिहार जेल का नाम पहली दफा सुना है या फिर किसी को भी ये नहीं पता कि तिहार जेल का अता पता कहां पर है, उनको मैं बता दूं कि तिहार जेल तिहार आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जेल सिर्फ पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिजंस है। जी हाँ, सही सुना आपने। और इस लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स के कर्ता धरता है दिल्ली गवर्नमेंट। बट वहीं पर अगर हम इतिहास देखने जाए तो पास्ट में तिहाड़ जेल वॉज अ मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन रन बाय द स्टेट ऑफ पंजाब, एंड 1966 के बाद ये पूरा कंट्रोल स्टेट ऑफ पंजाब से हटकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद जब IPS ऑफिसर किरण बेदी तिहाड़ प्रिजन की इंस्पेक्टर जनरल बनी, तब उन्होंने इस प्रिजन का नाम बदलकर तिहाड़ आश्रम रखा। इनफैक्ट किरण बेदी वो शख्स थी जिन्होंने और प्रिजन के इनमेट्स ने तिहाड़ आश्रम में जेल के स्टाफ और इनमेट्स के लिए विपासना मेडिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसके शुरुआती क्लासेस SN गोयनका ने खुद कंडक्ट किए। एंड इफ अगर तिहाड़ जेल की कुछ और हिस्ट्री, यहाँ पर आए हुए कुछ प्रसिद्ध प्रिजनर्स के नाम देखने जाओ तो इस तिहाड़ जेल की चक्की की पीसी हुई रोटी संजय गांधी से लेकर संजय दत्त, JNU के कन्हैया कुमार से लेकर मुंबई के छोटा राजन, और पॉलिटिक्स के अन्ना हजारे से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर इंडियन स्प्रिंटर मिल्खा सिंह सभी चक चुके हैं। मिल्खा सिंह का नाम सुनकर चौंक गए होंगे, राइट? एक वक्त की बात है जब मिल्खा सिंह ने विदाउट टिकट ट्रैवल किया और फिर क्या बिन पूछे ही कट गया उनका भी टिकट इस जेल का। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी चीज अगर बनती है तो उसके पीछे ऑब्वियसली कोई पर्पस जरूर है। सो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको तिहाड़ जेल बनने के पीछे का पर्पस क्या? दरअसल द प्रिजन वाज स्टाइल्ड एज ए करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब इस जेल को बनाने के पीछे का असली मकसद यही था, यहाँ आने वाले सारे कैदियों को वो एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाकर अलविदा कह सके, रिहेबिलिटेट कर सके, उनकी लाइफ को रीसेलेक्ट कर सके। और वो वैसा कैसे कर पाएंगे? सिंपल है, बाय प्रोवाइडिंग देम विद यूजफुल स्किल्स, एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। उनका मोटिव तो काफी सही था, बट वही बात है ना, गोल्स तो सब सेट करते हैं, बट उन पर खरा तो कुछ ही लोग उतर पाते। अब तिहाड़ जेल अपने मोटिव पर कितना खरा उतरा, इस बात का पता तो हम एक सिंपल कंपैरिजन से कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, तिहाड़ जेल के फैसिलिटीज को ही कंपेयर करके देखें, क्योंकि जहां पर तिहाड़ जेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि वो वहां के कैदियों को RO सेफ ड्रिंकिंग वाटर देता है, केबल टीवी देता है, उसके अलावा इंडोर आउटडोर गेम्स, कैंटीन फैसिलिटी, हाई लेवल ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, ग्रीन एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर फैसिलिटी, लीगल एड सर्विसेज, मॉडर्न किचन्स, प्रोविजन ऑफ इंटरव्यूज विद विजिटर्स एंड लॉयर्स, क्लीन लॉजिंग फैसिलिटी एंड टेलीफोन फैसिलिटी। और वहीं पर तिहाड़ जेल से छूटे हुए कैदी अपने इंटरव्यूज में कोई और ही कहानी बताते हैं। ये एक इंटरव्यू है एक कैदी का, इसे सुनो। क्वालिटी तो बिल्कुल खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधा से ज्यादा वक्त तो हमारा बिना खा के गुजारा हो जाता था, लेकिन सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कम से कम एक रोटी तो खाना ही पड़ता था। एंड इफ अगर आपको इस भाई साहब की बात पर जरा भी दर्द नहीं हुआ तो जरा इस महिला को भी सुनो। वहीं पे आपको खाना होता है, आपको खाना भी जानवरों की तरह दिया जाएगा। ये भी कुछ वैसे ही दर्द से गुजर चुकी है। एंड ये दोनों ही तिहाड़ जेल की जमीन को नरक मानते हैं। बाहर अगर आपको ऐसा कुछ भी करना हो तो सोच समझ के करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे नरक में दोबारा किसी को जाना ना पड़े। मैंने जो देखा है जेल में, मैं नहीं चाहूंगी कोई किसी भी सिचुएशन में वो वहाँ पे पहुंचे। मैंने नर्क देखा है वहाँ पे, मतलब जो चीजें आप कभी सोच भी नहीं सकते आपके साथ वो चीजें होती हैं। जहाँ पर नर्क बांधने का मेन रीजन वहाँ पर नहीं मिलने वाली फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि वहाँ पर हो रहे उन पर जुल्म है। तिहाड़ जेल जो कैदियों को नॉर्मल पीपल ऑफ सोसाइटी बनाना चाहता था, वो खुद ही नॉर्मल पीपल ऑफ सोसाइटी नहीं,
क्योंकि अगर इफ देखने जाए तो उस कैदी ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वहां के स्टाफ मेंबर्स गाली गलौज के अलावा ठीक से बात नहीं करते, मतलब उन्हें इंसानों की तरह बात करने पर कोई फीडबैक्स नहीं दिए जाते, वो कैदियों को गाली दे देकर पुकारते हैं और उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं। उनका दिन का शुरुआत गाली से होता था और पूरा रात तक सिर्फ और सिर्फ गाली चलता था। बट चलो फिर भी ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, इनसे भी कई बड़े बड़े गुनाह तो जेल में खुद हुए हैं, स्पेसिफिकली कश्मीरीज के साथ। अगर हम एहसान अंतून जो कि कश्मीरी था उसकी केस स्टडी की बात करें तो एहसान अंतून 2004 में अंडर द चार्ज ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कैद किया गया और जेल में आते ही उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहा गया एंड जेल अथॉरिटी सेड दे वांटेड टू सी एन आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन हिज बॉडी। बट जैसे ही एहसान ने कपड़े उतारे वैसे ही जेल अथॉरिटीज ने उसे पीछे घुमा दिया और उन्होंने फिंगर्स और बैम्बूस को गलत जगह पर घुसाया। इस एक्टिविटी को काफी समय तक किया गया जिससे कि कैदी के दिमाग में मेंटल ट्रॉमा पैदा हो। एहसान का ये कहना था कि उसके बॉडी पर एक भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं थे, बट उस दिन उसे इतना पीटा गया कि उसके बाद से उसके शरीर में काफी सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रह गए। बट यू नो व्हाट, ये ऐसा इकलौता केस नहीं है, ऐसी कई सारी कहानियां दफन है तिहाड़ जेल के दीवारों के बीच, जिसमें से एक कहानी है सैयद मकबूल शाह की। सैयद वॉज एन अक्यूज्ड इन द लाजपत नगर ब्लास्ट ऑफ 1996, जिसको 13 साल बाद पकड़ा गया और फिर उसके बाद उसको तिहाड़ भेज दिया गया और अब क्योंकि वो भी एक कश्मीरी था तो उसको डराने के लिए उसको जानबूझकर खतरनाक चोर ड्रगिस्ट मर्डरर्स और माफियास के साथ रखा जाता था और सैयद ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि दे वुड कैरी ब्लेड्स एंड अटैक अदर प्रिजनर्स एंड अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट 18 केसेस ऑफ ब्लेड अटैक्स वर रिपोर्टेड इनसाइड तिहाड़ जेल इन 2013 अलोन जो कि रिपोर्ट किए गए थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर अननोटिस्ड और अनरिपोर्टेड। नाउ फ्रेंड्स, ये सब देखकर आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे यार ब्लास्ट में पकड़ा गया विक्टिम था या फिर चोर था या फिर क्रिमिनल था, सालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए एंड आई टोटली एग्री, लेकिन डोंट यू थिंक इसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए? बिकॉज अगर हम लॉ के हिसाब से जेल का काम देखें तो वहां पर कैदी ऑलरेडी अपनी सजा काट रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइम, तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक कैदी दूसरे कैदी को मार रहा है तो फिर बेसिकली जेल में ही लॉ का उल्लंघन हो रहा है, राइट? आई मीन सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। ऐसे मिसमैनेजमेंट से क्या ही हासिल होगा अगर कोई कैदी अपनी जेल की सजा काट कर बाहर निकलने वाला रहेगा और एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाला रहेगा, तो ऐसा एनवायरनमेंट उसे भी रिहैबिलिटेट होने से रोकेगा। एंड डेफिनेटली एक कैदी के लिए जेल जाना शुड नॉट बी द एंड ऑफ देयर लाइफ, राइट? वहां पर वो मे बी अपनी सजा काट कर रिहैबिलिटेट होकर एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकता है। एनीवे, सो आपको पता चल गया मर्दों की हालत तिहाड़ जेल में कैसी है, बट क्या औरतों की हालत इज एनी बेटर? वेल नॉट रियली, हम कश्मीरी मर्दों की बात कर रहे थे तो जरा कश्मीरी औरतों की भी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं एक कश्मीरी फीमेल की केस स्टडी जिसका नाम था जमरूदा हबी, जिसने तिहाड़ जेल में अपनी सजा काटते हुए एक डायरी में लिखी एंड यही डायरी आगे जाके पब्लिश हुई विद अ बुक टाइटल्ड प्रिजनर नंबर 100 एन अकाउंट ऑफ नाइट्स एंड डेज इन एन इंडियन प्रिजन। उस बुक में जेल के सारे डार्क साइड्स और इंसिडेंट्स लिखे हुए थे जिनमें से एक ये भी था जहां पर दिल्ली पुलिस ने हबीब के साथ इंटरोगेशन के वक्त इतना बड़ा स्टेटमेंट कह दिया और हबीब के साथ ये सुलूक सिर्फ पुलिस वालों ने ही नहीं किया बल्कि जेल के कैदियों ने भी किया, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हबीब कश्मीरी है तो उन्होंने उसका बाल नोच कर पूरे वार्ड में उसको रिंगाया जिसके बाद उसे टेररिस्ट कहते हुए बहुत मारा। ठीक वैसे ही जैसे हबीब ने कुछ दिन पहले एक अफगान वुमेन को मार खाते हुए, उस बुक में यह लिखा गया था कि हबीब ने देखा कि जेल के सभी लोगों ने मिलकर उस अफगान वुमेन को एब्डोमेन पर इतना मारा था कि वो फेटल इंजरीज की वजह से मर गई और ताजुब की बात तो ये थी कि तिहाड़ जेल ने इसे नेचुरल डेथ घोषित किया, saying that it happened due to extreme lower abdominal bleeding, shocking, right? But what if I say कि इंडिया टुडे के हेडलाइंस की कुछ ऐसी भी हेडलाइन आ रही है और नाना ये कोई मिर्च लगाई हुई लाइन नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन DCW के चेयरपर्सन स्वाति मालवाल तिहाड़ वुमेन जेल के लिविंग कंडीशंस देखने गए थे तब उन्होंने ही अपने आंखों से देखा एक कंजेस्टेड सेल में तीन औरतें रह रही थी विद नो सेपरेट एंट्री टू द टॉयलेट। अब इससे होगा क्या? सैनिटाइजेशन इश्यूज यानी कि हेल्थ इश्यूज एंड अल्टीमेटली अनटाइमली डेथ। अब अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर ऑल अक्रॉस द जेल इतनी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ना कोई प्रॉपर मेडिकल सर्विस है, ना डॉक्टर्स है और ना ही कोई प्रॉपर मेडिकल गाइडलाइंस है,
और शायद यही वो वजह है कि तिहाड़ के सिर्फ 11,600 इनमेट्स की ही बात करें तो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर के रिपोर्ट्स के हिसाब से उनमें से 6% से 8% लोग तो एचआईवी पॉजिटिव है। एंड माइंड यू, ये रेट इंडिया के जनरल पॉपुलेशन के रेट से कई गुना ज्यादा हाई रेट है। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने तो तिहाड़ जेल को जवाब देने के लिए भी कहा हुआ है रिगार्डिंग द नीड फॉर अ पॉलिसी टू ट्रीट इनमेट्स एट तिहाड़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस लाइक कैंसर, एड्स एटसेट्रा। मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ है, तिहाड़ जेल में हर कैदी नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, लेकिन शायद हर कोई नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान कैदियों ने यह भी कहा कि अगर आप पे कर रहे हो 25,000 अगर आप पे कर रहे हो तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई काम नहीं, आप सेल के बाहर घूर सकते हो, आपको उसका कम से कम 1,50,000 ऐसा कुछ पैकेज बन जाता है महीने का। तो दूसरी ओर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि तिहाड़ कॉम्प्लेक्स जेल में 2011 में प्लेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और यही प्रोग्राम के चलते कई सारे इनमेट्स ने अपनी हायर एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट की थी। और हम इस बात से भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि 2014 में हुए रिक्रूटमेंट ड्राइव की वजह से 66 कैदियों को जॉब मिली थी विद अ सैलरी पैकेज ऑफ 35,000 रुपीस पर मंथ। इनफैक्ट क्या आपको पता था तिहाड़ जेल का खुद का भी एक ब्रांड है और उसका नाम है टीजेस। टीजेस खुद ही अपने ब्रांड के अंडर में सोप्स, शैम्पूस, डिटर्जेंट पाउडर्स, ईटेबल्स लाइक स्नैक्स, कुकीज, पिकल्स, मसालास बनाते हैं और अपने ऑफिशियल वेबसाइट और स्टोर्स पर उसे बेचते हैं। इसके अलावा जेल के कैदी हैंडमेड शर्ट्स, कारपेट्स, होम लाइनन, हैंडबैग्स, पेपर प्रोडक्ट्स एंड स्टेशनरी आइटम्स भी बनाते हैं। इंप्रेसिव राइट? नाउ व्हाट इफ आई से कि आप भी उन कैदियों की तरह कैदी बनके ही वैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आई मीन आपको बस 500 रुपए एंट्री फीस भरनी होगी, कैदियों के कपड़े पहनने होंगे और उसके बाद बिल्कुल तिहाड़ जेल जैसे कैदियों के माफिक जिंदगी जीनी पड़ेगी, यानी कि नो मोबाइल, नो टीवी एंड बहुत सारा काम, बहुत ही कम फैसिलिटीज, ना अच्छा खाना पीना, ना ही अच्छा सोने का बंदोबस्त और एकदम थर्ड क्लास बाथरूम। Yes, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि तिहाड़ जेल तेलंगाना के जेल के जैसे ही वन डे ट्रिप अरेंज करने वाला है। बट सवाल यह है कि जेल की लाइफस्टाइल सुनने के बाद क्या कोई वहां पे सच्ची में जाना भी चाहेगा? Well, मैं तो सर्टनली नहीं। आपका क्या ख्याल है? और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, जितना हो सके वीडियो लोगों को शेयर करो। सी यू इन अनदर वन, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।